सो हाई गैस वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज प्रियसिंह स्लॉको। स्टार्ट करते हैं एंड आज मैं बताने वाली हूँ ऑल अबाउट प्रेगनेंसी से जो भरे हुए क्वेश्चंस थे लोगों के मेरे पास आए हुए थे, मैसेज आए थे मुझे, पता नहीं कितने मैसेज आए मेरे पास कि ये बता दो दीदी, ये बता दो क्या मिस्टेक थी, सारी चीज़ें बता दो। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। और जिन लोगों को प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखनी है प्लीज़ आप वो ना देखें, क्योंकि आप फिर मुझे कॉमेंट करते हो कि आपसे वही वीडियोज़ बना रहे हो ये वो। तो मेरे पास लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, मैं इसलिए बना रही हूँ। और प्लस ये भी था कि मैंने खुद उन लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को अपनी पीरियड्स होने से पहले भी डिटेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो। और इवन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आप बिना टेस्ट किए भी आपको कहीं ना कहीं 99% आपको लगता है कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट, जो कि मेरे साथ हुआ है। तो देखो मैं ऐसा बोल सकती है सबके साथ होता है ऐसा, पर जितनी मैंने वीडियोस देखी है तो उन लोगों के साथ मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं और उनसे ही मैंने खुद को अपने आप को ऐसे मैच करके देखा, मुझे खुद उस टाइम पर कंफर्म हुआ। तो जो सिम्टम्स आए थे, तो सबसे पहले सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला सिम्टम था कि आपके ना हल्का सा पेन होने लग जाता है, जैसे पीरियड्स का पेन होता है ना, उससे बहुत माइल्ड सा पेन होता है जो कि आपके एब्डोमिनल के आसपास होता है, तो वहाँ पर आपको पेन होना शुरू हो जाता है। और जो भूख लगती है वो आपको बहुत खतरनाक वाली भूख लगती है, भयंकर भूख लगती है। और इवन मतलब जब मेरे को ऐसा था ना कि मैं आई थिंक देखो मैं क्लियरली ढंग समझाती हूँ, क्या होता है जब आपके पीरियड्स होते हैं उसके लगभग आप बोल सकते हो एक हफ्ते बाद से आपका जो एग होता है वो रेडी होना शुरू हो जाता है, एक हफ्ते बाद पीरियड्स के एक हफ्ते बाद से एग रेडी होना शुरू हो जाता है। तो किसी का ये होता है कि पीरियड्स के 11वें दिन होता है, किसी के 14वें डेज को होता है। एक मिनट मैं पहले ना ये देख गया, हाँ सो मैं बोल रही थी किसी के 11वें डे पे ओवुलेशन होता है, किसी का 14 डे पे होता है, लगभग 11 से 14 के बीच में बोलते हैं। बट मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप ट्राई कर लो पहले 11 से 14वें दिन के बीच में चेक करना ओवुलेशन किट से कि आपके ओवुलेशन मतलब हुआ है कि नहीं हुआ। और ओवुलेशन जो मतलब होता है उसमें क्या होता है, आपका एग रिलीज़ होता है, जब वो एग रिलीज़ होता है उसी टाइम पे अगर आप प्लान करते हो तो आपका चांसेस होते हैं कंसीव करने के, अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली कभी भी करोगे तो डॉक्टर तो बोलते हैं कि नहीं होता। और किसी की सेंसिटिव है उसके मतलब सेंसिटिव बॉडी है तो वो अलग बात रही। तो आप पहले आप चाहो तो अपने क्या कहते हैं 2-3 महीने, अगर आपके पास ऐसा कुछ जल्दी नहीं है आपको, तो आप 2-3 महीने पहले ओवुलेशन किट से अपना ट्राई करके चेक कर सकते हो। और वैसे ओवुलेशन जो किट होती है उससे आप चेक कर सकते हो कि आपका आज डे मतलब ओवुलेशन हुई है कि नहीं हुई है, उससे पता चल जाता है। और अगर आपको नहीं पता चल पाता कि यार कभी है क्या नहीं है, तो आप ट्राई करो कि 2-3 महीने के ना आप अपने पीरियड्स डेट ले लो कि इस दिन हुए थे, फिर नेक्स्ट पीरियड डे मेरे इसमें मंथ में इसमें हुए, और फिर नेक्स्ट मंथ में बस इस मंथ में। फिर आप अपने किसी भी आसपास में जो भी आपकी गायना हो उनके पास जाके ना कंसर्न करके उनसे पूछो कि मतलब पैसे पता चलेगा कि ओवुलेशन डे कब है, तो वो आपको बता देगी कि इतने से इतने के बीच के अंदर है। तो उसमें बीच में आप ओवुलेशन किट से चेक करके फिर आप अपना अपने ट्राई कर सकते हो। तो जो मुझे डॉक्टर ने बताया था, मेरे को 11वां 12वां दिन बोला था ओवुलेशन का, तो आफ्टर पीरियड्स, तो मैंने मेरा 11वां 12वां दिन निकल गया था, लेकिन मैंने ऐसे एंड टाइम पर मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि ओवुलेशन हो गया है। उसके बाद लगभग कि मैं मतलब मैंने कंसीव किया है कि नहीं किया है, लगभग एक हफ्ते बाद से मुझे हल्के हल्के से कुछ चीज़ों से फील होने लगी थी, कुछ की बॉडी में कुछ चेंजेस हैं। और ये भी था कि मैं अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर रही थी कि क्या चल रहा है अभी क्या नहीं है, जो भी मतलब कुछ भी हल्का सा अलग सा हो रहा था बॉडी के साथ तो मुझे कुछ अलग फीलिंग आती, मतलब वैसे भी लड़की को पता चल जाता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पर मुझे बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही थी कि यार कुछ तो बहुत अलग सी कुछ चल रहा है बॉडी में। तो एक तो सबसे बड़ा सिम्टम था मेरे में कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगती थी, सबसे ज़्यादा भूख लगती थी मुझे, मतलब हर 2-3 घंटे में मुझे भूख लग रही है। मैं आकाश को यही बोलती रहती थी। तो उस टाइम पर मुझे डाउट था लेकिन मैं कंफर्म नहीं थी, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे तो पहली बार था और मैं सिर्फ लोगों की वीडियोज़ वगैरह देख के ही अपनी चीज़ों को अंस्यूम कर रही थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि शायद मैंने कंसीव कर लिया हो। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें थी, कुछ स्मेल्स अजीब अजीब स्मेल्स आ रही थी। उसके बाद फिर ये भी बताते हैं कि आफ्टर ओवुलेशन लगभग आपके 7वें 8वें दिन मतलब एक हफ्ता होने के बाद आपको एक स्पॉटिंग होती है जो कि पिंकिश में हो सकती है और ब्राउन में भी हो सकती है, जो कि मतलब ये ब्लड की होती है। उससे क्या होता है कि आपका जो एग है वो आके उसने एक अपनी जगह बना ली है
ठीक है, उसके लिए जो वही जगह बना लेता है, मतलब नीचे आके अपनी जगह बना लेता है, तो उस टाइम पे एक स्पॉटिंग होती है रेड, मतलब ब्लड की स्पॉटिंग होती है, तो वो पिंकिश में हो सकता है या फिर ब्राउन में हो सकता है। तो वो मैंने अपना वो भी मैंने चेक किया, तो मुझे वो भी चीज़ अपने उसमें दिखाई दी, पर मैं उस टाइम पर भी मैं कन्फर्म नहीं थी कि क्या पता शायद ना हो, पर मैंने वो चीज़ चेक की तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा था कि हो भी सकता है। उसके बाद फिर मुझे कुछ टाइम बाद हल्की हल्की सी मेरे पीरियड्स होने से, मतलब लगभग मुझे बोल सकते हो 2 हफ्ते से हल्के फुल्के क्रैम्प्स आते थे पहले मुझे, और ये भी मैंने बहुत देखा कि बहुत नॉर्मल था, और लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होना शुरू हो जाता है, पर मेरे को ये था कॉन्स्टिपेशन मेरे को पहले से होता था, लेकिन मेरे को उस टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद नहीं नॉर्मली है ऐसा, मतलब कुछ खास नहीं है नॉर्मली, पहले भी होता था मुझे, तो शायद उसी की वजह से हो रहा होगा, पर वो एक बहुत अलग टाइप का कॉन्स्टिपेशन था, मतलब जो मेरे को नॉर्मल डेज पता था मुझे वैसा नहीं था, थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, एक मुझे क्रैम्प्स आ रहे थे हल्के हल्के, और एब्डोमिनल में हल्का सा मतलब माइल्ड सा पेन हो रहा था कभी कभी, और उसके अलावा मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। उसके मतलब लगभग मुझे 2 हफ्ते हो गए थे जब मेरा बर्थडे था, उसके 2 दिन बाद मुझे ना एक अजीब सा पेन और बहुत ज़्यादा थकान सी, ऐसा कि यार कहीं भी बैठूं कहीं भी ऐसे लेट जाऊंगी, कुछ करने का मन नहीं, बहुत ज़्यादा आलस सा, मतलब बहुत वीक सा ऐसा फील कर रही थी मैं। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद मैंने कंसीव कर लिया, तब तक मैंने चेक भी नहीं किया था, उस टाइम तक मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया था, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स थे जो कि मेरे मैच कर रहे थे जो कि प्रेगनेंसी में सिम्टम्स होते हैं वो सारे, तो उसकी वजह से मुझे वो सारी चीज़ें लगी कि शायद हो सकता है कि मैं प्रेगनेंट हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक बार चेक किया जाए, फिर उसका मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, तो मैंने देखा कि आप ओवुलेशन वाली किट से भी चेक कर सकते हो। ये भी लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आप ओवुलेशन वाले किट्स, क्योंकि मैंने चेक किया था, तो क्या उससे पता चल जाता है प्रेगनेंसी का। तो एक्चुअली क्या होता है, जो ओवुलेशन वाली किट होती है उसमें जब आपके एग रिलीज होता है तो उस टाइम पर एक हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है LH, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, जहाँ तक मुझे याद है LH एक नाम से हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है, वो उसको डिटेक्ट करता है, ओवुलेशन वाली जो किट होती है वो उसको डिटेक्ट करती है, उसकी वजह से पता चलता है कि आपने ओवुलेशन, मतलब आपका ओवुलेशन हो गया, आपका अगर एग जो है वो रिलीज हो गया है। उसके बाद जो प्रेगनेंसी वाला जो किट होती है उसमें HCG होता है हार्मोन जो कि रिलीज होता है, जो कि आपकी अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है ना उसमें पता चल जाता है, जो कि आपके पीरियड से आप 4-5 दिन पहले भी अगर चेक करोगे तो आपको पता चल जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पर पता चल जाता है, वो अर्ली प्रेगनेंसी को बोलते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ आपको आपने कंसीव कर लिया है। तो मैंने बहुत सारी ऐसी रिसर्च की, बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें मुझे ऐसी चीज़ें पता चली, तो उसमें सब में यही बताया कि पता नहीं कैसे, बट हो सकता है कि शायद जो HCG जो हार्मोन रिलीज होता है ओवुलेशन वाली उसको ही कैच कर लेता है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसको कैच कर लेता है, इसके चक्कर में जाता कि आप प्रेग्नेंट हो, तो ओवुलेशन वाली किट से भी आपको पता चल जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप चेक कर रहे हो ना, ट्राई करो, अगर आप पहले चेक करो अपने पीरियड से पहले चेक कर लो, तो मेरे हिसाब से कि आप 2 किट लो, एक प्रेगनेंसी वाली ले लो, एक ओवुलेशन वाली ले लो, अगर आपके पास पड़ी है तो, अगर नहीं पड़ी तो आप दोनों प्रेगनेंसी वाली ले लो, दोनों से चेक कर लो, अगर आपके पास पहले से ओवुलेशन की पड़ी हुई है तो आप उससे भी चेक कर सकते हो, और अपने आपको कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि हाँ शायद मैंने कंसीव कर लिया, तो उससे एक आइडिया हो जाता है। जो मैंने किया था, मैंने ट्राई किया था, मैंने यही किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डाउट थे, ओवुलेशन किट थी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या मैं और नए लेके आऊँ, पहले ट्राई करता था, फिर मैंने तब भी एक बार प्रेगनेंसी वाला भी ले लिया कि बाई चांस मैं शायद इससे कन्फर्म ना हो पाई तो फिर मैं इससे कर लूँगी, तो फिर पहले मैंने ओवुलेशन वाली किट से चेक किया, उसके बाद फिर मैंने प्रेगनेंसी वाली से किया और दोनों में लाइन आ गई थी। उस टाइम मुझे मतलब लगा कि क्या हो गया, मतलब मैंने फिर बाद में और वीडियोज़ देखी कि यार कहीं मैं मतलब गलती तो नहीं कर रही, पर मैंने ये देखा आपकी प्रेगनेंसी की किट में अगर डबल लाइन आ रही है इट्स मीन कि आपने कंसीव कर लिया है, कैसे भी करके अगर हल्की सी भी लाइन अगर आ रही है आपकी प्रेगनेंसी किट के अंदर तो आपने कंसीव कर लिया। आपको अगर डाउट है तो 2 से चेक कर लो, अगर दोनों में लाइन आ रही है तो आपने कंसीव कर लिया और बिल्कुल आप कंफर्म हो जाओ, और उस टाइम से अपना ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दो। और ये भी बोलते हैं कि लास्ट में जो आपके डेज होते हैं जो पीरियड्स के जो डेज होते हैं उससे लगभग 1 हफ्ते के जो 1 हफ्ते तक, मतलब पीरियड्स 1 हफ्ते पहले से आप अपना थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखने लग जाओ कि थोड़ा सा सीढ़ी वगैरह जो कम चढ़ो, ट्रैवलिंग थोड़ा कम करो, सब चीज़ें करो। और वो चीज़ें मैंने भी फॉलो की, मैंने अपना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था क्योंकि मुझे था कि हाँ शायद मैंने कंसीव कर लिया है उसके लिए।
और जब मैंने कंफर्म कर लिया उसके बाद ही मैंने आकाश को बताया था। तो ये सारी चीज़ें थी, और जो मैंने मिस्टेक की थी वो ये था कि मुझे पहले अपना ओवुलेशन का जो टाइमिंग थी वो मुझे पता ही नहीं थी, और हम बस नॉर्मल जब से ट्राई करते थे तो जिस टाइम पर ओवुलेशन होता था उस टाइम अगर हम ट्राई कर रहे हैं, जिस टाइम मतलब ओवुलेशन नहीं हुआ है उस टाइम हम ट्राई कर रहे हैं, तो उसका जो कोई मतलब नहीं है। जो कि मुझे डॉक्टर ने यही बताया कि जिस टाइम पर आपका ओवुलेशन होता है उस टाइम पर अगर आप ट्राई करते हो तभी कंसीव कर सकते हो। तो ये एक हमारी मिस्टेक थी जो कि हमें पता नहीं था, जो कि हम डॉक्टर के पास गए तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई। और डॉक्टर बोलते भी हैं कि आपको अपने ना बॉडी टेस्ट वगैरह सब चीज़ करानी चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो तो आपको अपनी फुल बॉडी के एक बार चेकअप करा लेना चाहिए कंसीव करने से पहले, और उससे पहले भी है ना 3 महीने से पहले अपना ध्यान रखना शुरू कर दो, फ्रूट्स वगैरह थोड़ी सी प्रोटीन वाली चीज़ें इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो ज़्यादा, क्योंकि जैसे आप कंसीव कर लेते हो उसके बाद किसी किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, जैसे कि मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी, तो उसमें आपकी पूरी बॉडी ना पूरी सूख जाती है। तो ट्राई करो उस टाइम से पहले से आप हेल्दी खाना शुरू करो, जिससे कि अगर वो चीज़ें उल्टी वगैरह होती भी हैं तो आपको पहली की जो चीज़ें आ रही हैं उससे आपकी बॉडी चल सके, और उल्टी भी होती है तो ट्राई करो कि कुछ ना कुछ खाते रहो। आई नो कि मन नहीं करता उस टाइम पर, अभी तो मुझे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बोल सकते हैं आप प्रेगनेंसी सबकी अलग अलग होती है और मैंने वो चीज़ आने ही नहीं दी, या फिर मेरे साथ इतना नहीं हुआ। मैंने बीच में ट्राई भी किया कि कभी कभी मैं मेडिसिन छोड़ देती हूँ अपनी जो वॉमिटिंग वाली होती है ना, तो वो बीच बीच में मैं स्किप कर देती हूँ, और मैंने तब भी ट्राई किया कि हाँ मुझे उस टाइम पर फील नहीं होती इतनी खास वॉमिटिंग, पर मैं तब भी खा लेती हूँ क्योंकि फॉलिक एसिड भी है तो वो भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। और डॉक्टर ने बोला भी एक खा लो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि लोगों के क्वेश्चन से मुझे बताने चाहिए। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। और हाँ, ओवुलेशन जो आपके जो एग रेडी होता है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कि मुझे अभी नया नया पजला, जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था उस टाइम पर मुझे पता चला कि जो आपके जो डेट जो पीरियड्स डेट है जो काउंट किए जाते हैं पीरियड्स डेट्स जो काउंट किए जाते हैं वो आपके जो लास्ट पीरियड हुए होते हैं उसके लगभग 3-4 दिन के बाद से ही काउंट किए जाते हैं। और जब आप अपना अल्ट्रासाउंड जैसे कराते हो तो उस टाइम पर आपको क्लियरली पता चल जाता है कि आप कितने डेज और कितने वीक के आप प्रेग्नेंट हो, तो उसमें क्लियरली से मेंशन हो जाता है। और अगर हार्ट बीट का अगर आपको कभी भी ऐसे अल्ट्रासाउंड कराना है तो ट्राई करो मेरे हिसाब से कि आप 8 वीक में ही कराओ, और डॉक्टर के पास अगर जाना है ना तो आपको तुरंत जैसे कि पता चलता है ना कि आप प्रेग्नेंट हो, तो उसके तुरंत बाद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ खास जैसे दवाइयाँ होती हैं ना कुछ कोई दिक्कत होती है, आप सीधा 8 वीक पे जा सकते हो या 6 वीक पे भी जा सकते हो, उस टाइम पर थोड़ी बहुत आपको डॉक्टर दवाई दे देगी। और किसी किसी का ये होता है कि 6 वीक पर हार्ट बीट पता चल जाती है, पर मैंने अपनी 8 वीक पर कराई थी, तो आप ट्राई करो वैसे 8 पे कराओ, 8 पे ना थोड़ी क्लियरली समझ में आ जाती है, जैसे कि अब जितना मुझे डॉक्टर ने मुझे जितना पता है अब मेरी जब मेरा 3rd मंथ हो जाया होगा उस टाइम पर अब मेरा कोई भी मतलब ऐसा अल्ट्रासाउंड नहीं पता, क्योंकि अब सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं और देख लिया डॉक्टर ने कि बच्चे में कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है। तो आप चाहो तो बीच में वो एक करा सकते हैं, उससे आप पता चल जाएगा कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो मैंने एक अपना कराया शायद आई थिंक 8 वीक पर, और अब होगा लगभग जब मैं 6th मंथ की मतलब जब मेरा प्रेगनेंट होंगी मैं उस टाइम पर होगा, एक होगा सबसे एंड में जिस टाइम पर सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, उस टाइम पर पता चल जाएगा कि कितने टाइम पर डिलीवरी हो सकती है। सो बस यही सब चीज़ें हैं, और अभी फिलहाल मुझे अपनी बॉडी में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, शायद मैं अभी प्रेगनेंट नहीं हूँ, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस टाइम पर आपकी बॉडी में इतना कुछ चल रहा होता है ना कि आपका माइंड भी बहुत डिस्टर्ब होता है, मूड स्विंग भी बहुत बड़ा है, एक सिम्टम है जो कि आपको पहले से ही थोड़ा सा आने शुरू हो जाता है आपकी ओवुलेशन के जस्ट 1 वीक बाद। आप चेक अपनी बॉडी में खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करो, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें आपकी अलग हो जाती हैं। मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था आफ्टर 1 वीक, मुझे मीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और कुछ स्मेल होती है जैसे कि घी की स्मेल है, वो मुझे लगभग 6 वीक के बाद मुझे वो घी की स्मेल नहीं अच्छी लगती, मुझे अभी तक भी घी की स्मेल अच्छी नहीं लगती। मैं रोटी पर लगा के खा लूँगी, लेकिन जैसे पराठा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा घी ऐसे बन रहा होता है जैसे बनाते हैं जब वो हो गया, तो वैसी वाली चीज़ें नहीं पसंद। जैसे कि मखाने हो गए, मैं अपने मखाने करा के लेके आई थी मैं ससुराल से मम्मी से कि मखाने कर देना घी में, अब वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, सिर्फ मैंने 2-3 दिन खाए होंगे उसके बाद नहीं खाए। मैं मन से बहुत अपने
मायके से अपनी मम्मी के पास से मुरब्बे लेके आई थी, मैंने वो भी लगभग शायद एक वीक खाया होगा, उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया, वो भी खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। तो उस टाइम पर लगभग पता है ऐसा होता है कि आपके खाने की जो चॉइसेस होती हैं ना, वो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें, वो कभी कुछ अच्छा लग रहा है, कभी कुछ अच्छा लग रहा है। इसमें ना अपने आप को कभी भी ये मत लेना कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये सिर्फ चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसा भी होता है कि अभी आपका ये खाने का मन कर रहा है, जस्ट जैसी वो चीज़ें आपके पास आएंगी आपको वो खाने का मन नहीं करेगा, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ऐसा होना। मूड स्विंग्स होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि कभी भी गुस्सा आ रहा है, कभी भी कुछ बात ही नहीं है उस बात पर गुस्सा आ रहा है, कभी भी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कभी किसी से बहुत ज़्यादा बात करने का मन कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कभी सब कुछ अच्छा है उसके बाद भी आपको दुख हो रहा है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और अभी बस ये है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मूड स्विंग्स तो मेरे भी ऐसे कुछ खास होते नहीं, पर हाँ मुझे कोई हल्का सा कुछ थोड़ा सा भी पिन कर देता मैं तभी रो देती हूँ, तो वो चीज़ें हैं जो कि मुझे अपनी थोड़ी संभालनी चाहिए। मैं ऐसे ही करके भैया के साथ, अभी जब मैं घर गई थी तो घर में भैया के साथ थी, तो उनके साथ ऐसी थोड़ी कुछ बातचीत भाई बहनों में होती रहती हैं, तो जैसे ही हो गई थी तो मैं छोटी सी बात पर बहुत देर तक रोई, जिससे कि नेक्स्ट डे मेरी आँखें भी ऐसे सूज रही थी पूरी, और लोगों ने बोला भी आपकी आँखों को क्या हो गया है, तो वो यही था कि मैं रो ली थी अपने मतलब एक दिन पहले, तो उसकी वजह से मेरी आँखें पूरी सूजी हुई थी। और बस ये कभी भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कभी भी रोना आ जाएगा, कभी भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और मेरे साथ ऐसा हो जाता है कभी भी बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है, और इसीलिए आकाश और सब लोग ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि मैं जैसे कि अभी यहाँ पर मैं अकेली हूँ तो मैं क्या करूँ, तो कभी कभी बहुत कुछ भी कर लूँ तो कुछ थोड़ी बहुत देर बाद तो आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि यार सब कुछ अकेला है, क्या हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सी कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती है। या तो आप काम करते रहो, पर बॉडी भी हर टाइम आपका साथ देती है। आज भगवान की कृपा से पता नहीं कैसे आज मेरी बॉडी मेरा बहुत साथ दे रही है कि मैं भी इतने टाइम पर यहाँ बैठी हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं इतने टाइम पर बैठ नहीं पाती हूँ। या तो मुझे सोफ़ा या कुछ ऐसी आराम से पीठ लगा के मैं तभी बैठूँ, अब मैं बिल्कुल ऐसे बैठी हूँ तो मुझे पता है मैं कैसे कर रही हूँ, बट तब भी ये कि आज मेरी बॉडी बहुत मेरा साथ दे रही है। अभी तक मैं सोई नहीं, वरना अब तक मैं एक नैप लेके आराम से कुछ और खाने के लिए बैठ गई होती। तो अभी बस ये है कि मैं अभी थोड़ी देर मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी फिर दवाई लूंगी, बस यही लाइफ चल रही है। खाओ पियो मस्त रहो, इंजॉय करो लाइफ को, हंसते रहो खुश रहो। और प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा मेन है कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, सबको बाहर में जाने दो, आप सिर्फ खुश रहो, क्योंकि आप अपने लिए नहीं इस टाइम पर, आप अपने बेबी के लिए भी आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो इस टाइम पर जितना हो सके उतना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो और खुश रहो बस। और बहुत सारे लोगों का ये भी था कि यार हमने तो ये काम करा है, हमने तो वो काम करा है, तो देखो सबकी चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। किसी ने बोला कि मुझे भी आप आटा मत मारो, किसी ने बोला कि आप घर के काम मत करो, किसी ने बोला कि घर के काम करो, किसी ने बोला ये मत खाओ, किसी ने बोला वो मत खाओ। तो देखो सबकी बॉडी बहुत अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी बहुत अलग है। जैसे कि मैं अपनी और अपनी भाभी की मैं और अपनी ही प्रेगनेंसी में, इवन मैंने अपनी मम्मी से ही पूछा कि मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें हुई थी, मेरी मम्मी से ही मेरी प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यार सबकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग अलग हों, और मुझे जैसे कि वॉमिटिंग नहीं, सर दर्द नहीं होता अभी, जैसे कि मेरे को बीच में पहले हल्का फुल्का पेट में पेन होता, मेरे को वो भी ख़त्म हो गया है। थोड़ी सी मेरी लेजी है जो ये वाली प्रेगनेंसी मतलब अभी चल रही है जो, वरना मेरी सोना की जो मैं प्रेगनेंसी सुनी थी उनकी बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव थी। और जैसे मेरी मम्मी बताती हैं, मेरी मम्मी ने जब से उन मतलब वो प्रेगनेंट हुई थी तब से लेके जब तक उनके बच्चे हुए हैं, मतलब जैसे कि अगर आज बच्चा ना उस दिन तक भी उन्होंने काम किया है, वो मटके भर के लाती थी, मतलब वज़न वाला काम भी और गाय भैंस इन सब चीज़ों का सारा काम किया उन्होंने। और उस टाइम पर हम लोगों को इतना, हम ऐसे पले हैं तो हर एक टाइम का एक हल अलग ही मतलब सिचुएशन थी। उस टाइम पर उनकी सिचुएशन पूरी ऐसी थी कि वही उनको वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और है नहीं करने के लिए, उन्हें ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस टाइम पर वो सारी चीज़ें किया, उन्होंने ये बोला कि हमें पता ही नहीं चला हमारे बच्चे कब हो गए हैं, कहीं थोड़े बहुत बीमार होते थे बीच में, कोई कोई हेल्प कर देता था, लेकिन पता ही नहीं चला हमारे बच्चे कैसे हुए। और जैसे कि मेरी भाभी की उसमें देखो कि तो उनकी भी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चली, स्मूथ चली, बस कभी कभी इसी बीच होता था कि उनको कुछ कभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत रेयर केस में होता था, लेकिन उनका होता था कभी। पर मेरी वाले टाइम पे यह है कि मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि स्मेल चढ़ती है मेरे को सबसे ज़्यादा, तो इसलिए मेरे खाने से मेरे को बहुत ज़्यादा वो रहती है। अदरवाइज़ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वैसे वाले काम मैं कर लूँ फिज़िकली, जैसे कि मैं योगा कर लेती हूँ। इवन मेरे को डॉक्टर ने, लोगों भी मुझे बोले थे कि आपको योगा नहीं करना चाहिए, मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि जो आप पहले से करते हुए आ रहे हो वो चीज़ें करो,
आप मतलब ऐसा मत करिए कि आपको पता चला कि आप मैं आज प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे अब अपनी क्या कहते हैं डाइट में ये रखना चाहिए, मुझे अपनी एक्सरसाइज ऐसे करनी चाहिए, अब मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए या फिर मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी। कुछ ऐड ऑन और कुछ हटाना नहीं है, जो चीज़ आपकी चलती हुई आती है पहले से वो रखो, थोड़ा ध्यान रखो अपना बस। कुछ भी चीज़ ये नहीं कि आप फोर्सफुली करो, आप कर पा रहे हो तो वो चीज़ें करो। तो डॉक्टर ने मुझे ये सब चीज़ें बोली, तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि हाँ मैं योगा करती भी आ रही थी पहले से, तो उन्होंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, योगा में योगा कर सकते हो। और फिर मैंने अभी एक न्यू योगा का मैंने एक वीडियो देखा है जो कि हाफ एन आवर का आई थिंक लाल दत्त का, और वो बहुत ही अमेजिंग है। उसके नीचे कॉमेंट्स मैंने पढ़े बहुत सारे लोगों के, और मैं भी एक यूट्यूबर है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, वो भी प्रेग्नेंट है, आई थिंक सिक्स या सेवन मंथ प्रेग्नेंट होंगी, वो भी उस चीज़ को फॉलो कर रही हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको उस चीज़ का मतलब पूरा मैं वीडियो बना के आपको मतलब दिखाऊंगी, और इवन मैं उस वीडियो को शेयर कर दूंगी आपके साथ लिंक वगैरह कि जिससे अगर आपको पता चलेगा कि अगर जो लोग प्रेग्नेंट हैं तो वो उस चीज़ को कर सकते हैं। पर अभी मैं फ़िलहाल में सोच रही हूँ मैं माइल्ड ही करूँ, और लगभग मैं फोर्थ मंथ जैसे स्टार्ट होगा उस टाइम पर मैं वो वाले योगा करना शुरू कर दूँगा। थोड़ा सा वो इंटेंस है, मतलब इतना भी इंटेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा है जो कि मैं अभी करती हूँ उससे। और उसके अलावा वॉक करो, अगर आपको बेड रेस्ट भी बताया है ना उसके बाद भी कम से कम ट्राई करो कि आप एक घंटे वॉक करो अपने आसपास ही करो, चाहे करो थोड़ा बैठ के करो लेकिन वॉक करो, क्योंकि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, और इसीलिए मैं इस अपनी चीज़ें करती हूँ कि मैं अपने आप को, मेरी ऑलरेडी मेरी बहुत ज़्यादा लेज़ी प्रेगनेंसी है, तो मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके मैं अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं हो, और बस यही है सारी चीज़ें। आई थिंक मैंने सारे जितने भी लोगों के क्वेश्चंस थे वो सबके मैंने रिप्लाई कर दिए हैं, और कुछ अपनी तरफ से जो भी चीज़ें मैं फील कर रही थी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और या बस दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, लाइक शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी और के और कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डाल देना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबका आंसर कर सकूँ। और बस आने वाली वीडियो में मैं गर्भ संस्कार के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताऊँगी जो भी मैं अभी खुद सीख रही हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी। और हाँ मैं ये बोलूँगी गर्भ संस्कार कोई अगर कोई करना चाहता है तो प्लीज़ करो, उसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। प्लीज़ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।